मुगलों और मराठों के बीच जानी दुश्मनी थी, लेकिन ये हैरत की बात है कि मुगलों के जनान खाने में मराठा वीरों को लेकर कुछ और ही सोच थी। मुगल शहजादियां मराठा कौम को एक बहादुर और खुद्दार कौम मानती थी, इसलिए औरंगजेब से लोहा लेने के बावजूद वो मराठों से नफरत नहीं करती थी। इसका पहला उदाहरण तब सामने आया जब शिवाजी महाराज पहली बार औरंगजेब से मिलने आगरा के किले में गए। तब औरंगजेब की बड़ी बेटी जेबुन्निसा शिवाजी महाराज की एक झलक पाने को दरबार के झरोखे में दौड़ी चली आई थी, जहां किसी औरत को आने की सख्त पाबंदी थी। खैर, आज हम बात करेंगे छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब की छोटी बेटी जीनत उन्नीसा की, जिसने औरंगजेब द्वारा संभाजी को खौफनाक सजा देने का खुलकर विरोध किया था। संभाजी और कवि कलश को बंदी बनाकर औरंगजेब के पास ले जाया गया। तब उन्होंने औरंगजेब की काफी बेइज्जती की थी, जिससे नाराज होकर औरंगजेब ने संभाजी की जीभ काटने और आंख निकाल लेने का हुक्म सुनाया था। इस सजा की तालीम अगले दिन होने वाली थी। जब औरंगजेब जीनत से मिलने आया तो उसने औरंगजेब के इस फरमान को गलत बताते हुए इस पर विचार करने की सलाह दी थी। जीनत औरंगजेब की काफी चहेती बेटी थी, इसलिए ऐसा दुस्साहस केवल वही कर सकती थी। उन्होंने औरंगजेब को सलाह दी कि संभाजी को मौत की सजा देने से बेहतर है कि उनसे इस्लाम कबूल करवा लिया जाए ताकि उनकी जान बच जाए। औरंगजेब ने जीनत से वादा किया कि अगर संभाजी इस शर्त को मान लेते हैं तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन जब औरंगजेब ने ये शर्त संभाजी को सुनाई तो उन्होंने कोई जवाब देने के बजाय उनके मुंह पर थूक दिया। अब ये तय हो चुका था कि औरंगजेब अब किसी भी सूरत में संभाजी की जान नहीं बख्शेगा। कहते हैं जीनत ने काफी कोशिशें की कि संभाजी को मौत की सजा के बजाय उसे कैद में रखा जाए, लेकिन औरंगजेब नहीं माना। जिस दिन संभाजी की मौत हुई उस दिन जीनत ने संभाजी की आत्मा की शांति के लिए काफी खैरात बांटे थे। जब औरंगजेब को इस बारे में पता चला तो वो मन महसूस कर रह गया, क्योंकि एक जीनत ही थी जो उसके बुढ़ापे का सहारा बची थी।